हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक होने वाला है विरुद्धाहार। विरुद्धाहार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सबको पता रहना चाहिए, क्योंकि आप क्या खा रहे हो एटलीस्ट वो तो पता रहना है कि किसके साथ क्या खाना है। तो चलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप नहीं करना है, उसके साथ नहीं खाना है, मोस्टली अवॉइड करना है इस चीज़ों। तो पहला बात है कि दूध जो होता है दही के साथ मिक्स करके नहीं खाना है। कभी भी दूध दही मिक्स करके नहीं खाना है, क्योंकि दूध जो होता है अल्कलाइन होता है, दही जो रहता है एसिडिक रहता है। अल्कलाइन और एसिडिक को मिक्स करके खाए तो फिर और सीवियर कंडीशन आपको फेस करनी होगी। तो दूध और दही ना खाए। वैसे प्याज और दूध कभी ना खाए। हाँ, प्याज खा सकते हो लेकिन दही के साथ, कितना भी खा सकते हो। तो शहद यानी कि मधु यानी कि हनी और गृतक के घी एक सम क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में बोला गया है कि ये विष का काम करता है। और उसके साथ उड़द की दाल है, जो काली उड़द की दाल रहती है और दही होता है, वो कभी भी ना खाए। हाँ, आप दाल खा सकते हो, मूंग और तूर यानी बाकी कौन सी भी दाल खा सकते हो दही के साथ, लेकिन काली उड़द की दाल नहीं खाना है। और दही के साथ नमक बिल्कुल नहीं खाना है। आप गुड़ शक्कर खा सकते हो। खट्टे फलों के साथ दूध कभी भी नहीं खाना है, यानी कि खट्टे फल मतलब एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक और दूध है अल्कलाइन, फिर वही कॉन्सेप्ट, नहीं खाना है। तो आप एक ही फल खा सकते हो, आम मैंगो दूध के साथ खा सकते हो, और सेब भी खा सकते हो क्योंकि वो अल्कलाइन होता है, तो खा सकते हो। तो वही खाना खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। अगर नहाएंगे तो फिर जो आपका जो जठर अग्नि है वो मंद हो जाएगी, यानी कि लो हो जाएगा, आपको अपचन इंडाइजेशन जैसी बीमारियाँ होगी। तो दही को गर्म कभी भी नहीं करना है, दही को गर्म नहीं करना है। दही की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, उसको गर्म करके ना खाए। और कभी भी मांस खाने के बाद 4 से 5 घंटे तक दूध का कौन सा भी आइटम नहीं खाना है, समझे। शहद, फिर और एक बार शहद के बारे में, शहद को कभी भी गर्म करके ना खाए। दही को नहीं गर्म करना है, शहद को गर्म नहीं करना है, और दही को इसके साथ नहीं खाना, दूध के साथ नहीं खाना। और जो केले होते हैं ना, केले दही के साथ बिल्कुल नहीं खाना, और केला खाने के बाद तुरंत पानी भी नहीं पीना है। और रात को दही का सेवन ना करें। एटलीस्ट इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो विरुद्धाहार आपको पता चलेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी स्किन डिसीजेस कुछ भी मतलब बीमारियां है रिलेटेड टू आहार आपको नहीं हो सकती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कुछ डाउट्स हो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।